आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। स्थानीय नदी गांव रोड स्थित बाबू पैलेस में प्रथम शिक्षिका महिला समाज सुधारक सावित्री बाई फूले की जयंती बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाई गई। इस जयंती समारोह कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि रामशरण सिंह कुशवा, एडवोकेट तुलाराम कुशवा, बादाम सिंह कुशवा, सभासद ओमकार सिंह, रोशन सिंह कुशवा आदि मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में दयाराम कुशवा अध्यापक व कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका ममता सिंह कुशवा ने की। इस दौरान सावित्रीबाई फूले के चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर याद किया। कार्यक्रम में रामशरण सिंह कुशवा ने कहा कि आज समाज को एकजुट रहना चाहिए। मुख्य वक्ता दयाराम कुशवा अध्यापक ने कहा कि आज समाज में शिक्षा की बहुत ही जरूरत है। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो हर तरक्की के रास्ते के ताले खोलने का काम करती है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पितातुल बुजुर्ग पूर्व तहसील अध्यक्ष तुलाराम कुशवाहा जी, पूर्व प्रवक्ता आदरणीय दयाराम कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करते हुए, आज सभी भारत की प्रथम शिक्षिका महिला एवं समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मना रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता सावित्रीबाई पहली महिला है जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है एवं ऐसी समाज में बहुत ही कुरीतियां थी जो हमारे समाज की अन्य समाज की महिलाएं शिक्षा ऐसे कई ऐसे काम थे जो नहीं कर पाती थी। मैं इस कार्यवाह को कभी रुकने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों को कि आप लोग भी समाज में जाकर के अपने महापुरुषों के बारे में बताएं। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, मनुस्मृति में लिखा था कि ढोल गवार सूत्र पथ नारी, ये सब दान के अधिकारी। हमारी माताओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी माता जी को निकाला, अपनी पत्नी को निकाला, साड़ी तोले की चलती थी, समाज के अंदर जाती थी।